in certain circumstances while dealing with informed consent we have to renew the informed consent as well reconsent may be appropriate when the original consent form was invalid or either there has going to be a significant change or substantial change to the research which are we, which, we, which is important to be informed to the participant so sometimes due to the uh, technical uh, feasibility of the research हम जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें कुछ प्रोसेस में लगता है कि मे बी हमें इसकी मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना हो या उसके किसी कॉम्पोनेट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना हो सो so, उन सिचुएशंस पे डेफिनेटली इनफॉर्म कंसेंट में भी चेंज आता है और उसका रिन्यूअल जो है वो करना ज़रूरी होता है समटाइम्स रिसर्च पार्टिसिपेशन में नो लॉन्गर बी कंसिस्टेंट विद द पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्ट एंड एंडफरेंसिज़ एंड दे मे नीड टू रिकन्सिडर द डिसीजन मे uh, भी कुछ पार्टिसिपेंट्स इनिशियली बहुत इंथ्यूजियाली किसी लॉन्ग uh, uh, जो है वो स्टडी uh, को जॉइन uh, करें फॉर इंस्टेंस वो एक ऐसा uh, जो है वो डेटा सेट हो जिसके अंदर कोई लॉन्गीटनल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हो रहा हो और उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स ने दो या तीन साल के लिए उस रिसर्च स्टडी का हिस्सा रहना हो और अपनी सारी ऑबज़र्वेशन अपने माइल सब कुछ रिकॉर्ड करवाना हो लेकिन इनिशियली टू टू थ्री मंथ्स के बाद उन्हें यह महसूस हो कि दे आर पॉबिबली नॉट द फिजिबल पार्टिसिपेंट्स जो उस रिसर्च को प्रोलॉन्ग कर सकें और उसके साथ स्टे कर सकें तो वो अपने डिसीजन को दोबारा से रीथिंक कर सकते हैं और हमें एक नया पार्टिसिपेंट लेना पड़ सकता है और वहाँ हमें रिन्यूअल की ज़रूरत पेश आ सकती है दैन सम्पल्स ऑफ द सिचुएशन डेट माइट वॉरेंट री कंसेंट फेलिंग टू इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंट रिस्क रिलेटेड टू द स्टडडी वॉज द स्टडी हैज़ बिगेन एंड उसके बाद उसमें कुछ ऐसे पोटेंशल रिस्क जो थे वो सामने आए जो स्टडी से पहले जो है वो फोर्सीएबल नहीं थे उस सिचुएशन में इंफॉर्म कंसेंट को रिन्यू करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो रिस्क पैक्टिस जो हैं दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द इनफॉर्म कंसेंट कंडक्टिंग द कंसेंट बट पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकिंग कपैसिटी वॉज कॉम्प्रोमाइजड और देवर अंडर प्रेसर लेट्स से कि इनफॉर्म uh, कंसेंट जब फिल किया गया उस वक्त वो स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी थे और वो अपने टीचर को यस या नो नहीं कह सकते थे और वो एक लॉगिट्यूडल स्टडी का हिस्सा बन गए और बाद में उनको लगा कि ये तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है हमने तो अंडर प्रेशर यस कह दिया लेकिन हम तो इस स्टडी का इतना लंबा हिस्सा नहीं बन सकते कि हम कई साल तक इसका जो है वो डाटा जो है उसको हम जनरेट करते रहे और वो uh, उसको मे बी रिविज़िट करें अपने डिसीजन को या कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि किसी वक्त किसी हेल्थ कंडीशन में है और उसकी डिसीजन पावर उस वक्त वीक है किसी इमोशनल फेज में है किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर में है किसी फिज़िकल डैमेज का शिकार है और वो उस वक्त डिसीजन नहीं कर सकता और वो रिसर्च का पार्टिसिपेशन में आ जाता है और बाद में वो उसको रिन्यू करवाना चाहता है बिकॉज उसको लगता है कि वो उसमें इंगेज एक सर्टन लिमिट से शायद ज़्यादा नहीं हो सकेगा then सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसर्च प्रोसीजर रिस्क पोटेंशियल बेनिफिट एंड ऑल्टरनेटि जैसे जैसे रिसर्च के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं और हमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस देखने को मिलती हैं वहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन चेंजेस को हम अपने इनफॉर्म कंसेंट के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाएं द पार्टिसिपेंट्स मेडिकल कंडीशन वर्सन और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट अगर हम कोई एक ऐसी थेरेपी यूज़ कर रहे हैं चाहे वो मेडिकल थेरेपी है या वो कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी है या वो कोई इंटरवेंशन है जिससे कंडीशन जो है वो पार्टिसिपेंट की ख़राब हो रही है या उसको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी जाकर इसको रिन्यू करना इसको रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी होगा यूजिंग एन इन इनफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू मेक एन इनफॉर्म डिसीजन अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे जो जिससे हम कंसेंट ले रहे हैं वो कोई इन इफेक्टिव पर्सन है तो उस सूरत में भी हमें जैसे ये रियलाइज़ होता है हमें इसको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है कि हम कंसर्न और इफेक्टिव पर्सन से ही कंसेंट फॉर्म जो है वो फिल करवाएं रिसर्च इन विच पीडियाटिक पार्टिसिपेंट विल रीच एडल्ट स्टडी इज स्टिल इन प्रोसेस ऑफ कोर्स ये एक लॉन्गिट्यूडलर रिसर्च होगी जिसमें बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएं और उस रिसर्च का वो हिस्सा हों कोहर्ट स्टडीज़ हो सकती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो बर्थ uh, से लेके कर एडल्टड तक शामिल होते हैं उस सारे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो बिगिनिंग में इंफॉर्म कंसेंट होता है वो डेफिनेटली एक इन्फॉर्म परमिशन होगी लेकिन बाद में जब वो इनफॉर्म कंसेंट की स्टेज पर आएगी तो उसको भी रिन्यू करना जरूरी होगा रिकनसेंट मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट विद चिल्ड्रेन रीच सो दैट रिसर्च पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट देयर ओन चॉइसिस रादर देन द चॉइस ऑफ देयर पार्टनर्स और देयर गार्डियंस और देयर पेरेंट्स एंड एनी वन इज एसोसिएटेड विद डैम सो ऐसी रिसर्च जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं अगर वो बच्चों से कंसेंट फॉर्म फिल कराया है तो वो बड़े होने के बाद उनसे करवाना चाहिए या अगर वो किसी अनमेरिड से कराया है और उसके बाद वो एक मैरिटल रिलेशनशिप में एंटर हो गया है एंड आफ़्टर सम टाइम उसको लगता है कि वो अपनी इस मैरिटल लाइफ की वजह से उस रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो उसको ये राइट right है कि वो अपने पार्टनर से कंसल्ट करे और उसके कंसेंट से उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करवा सकता है इनफॉर्म कंसेंट में मे बी वो टाइम के लिए हो सकता है चेंज या वो किसी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है सो एनीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू द

लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लीगली भी चैलेंज किया जा सकता है